तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो मैं बाहर का मौसम देखने आई थी कि कैसा है आज का मौसम, तो मैंने सोचा चलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा ठंड है। पर आज कोहरा नहीं है फ्रेंड्स, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में और चाय भी मेरी बन गई है, दूध मेरा गर्म भी हो गया है फ्रेंड्स बच्चों के लिए। और अब मैं बनाऊँगी बच्चों का लंच, करती हूँ फ्रेंड्स तैयारी। तो आज मैं बच्चों के लंच में पोहा बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं पोहा बनाए हुए मुझे, और आज फ्रेंड्स काफ़ी लेट भी हो गया है मुझे उठने में भी। 6:15 बजे उठी थी और अभी 6:30 बज गए हैं। तो अब मैं लग गई हूँ, फटाफट से बनाऊँगी बच्चों का लंच, फिर बाद में पीऊँगी फ्रेंड्स मैं चाय वगैरह। और अचानक से मुझे याद आ गया है फ्रेंड्स कि मैंने कल बच्चों के कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं, तो बाद में बनाती हूँ लंच, पहले मैं करती हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस। तो पोहा भी मैं धो के रख के आ गई हूँ फ्रेंड्स कि हमारे पोहा भी अच्छे से फूल जाएंगे। और अब मैं फटाफट बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, बच्चे चले गए हैं नहाने धोने के लिए, और जब तक मैं लंच तैयार करूँगी बच्चे रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत सारे सुबह सुबह काम होते हैं, अगर मैं एक दिन पहले प्रेस कर लेती हूँ ना तो मेरा ये काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पर मैं कल भूल गई थी फ्रेंड्स। तो कर दिया है बच्चों के प्रेस भी मैंने कपड़े, और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से लंच। तो फ्रेंड्स पोहा फटाफट से बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर में मैं चला दूँगी चिमनी, क्योंकि फ्रेंड्स अंदर में सुबह सुबह है ना काफ़ी जो छोंक लगाते हैं हम, तो धुआं हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने चिमनी ऑन कर दी है और अब मैं फटाफट से छोंक लेती हूँ और करते हैं बच्चों का लंच तैयार। फ्रेंड्स हो गया है बच्चों का लंच भी रेडी हो गया है, टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं फ्रेंड्स और रख दिया है मैंने टेबल पे। अनुषा को भी दूध दे दिया है, ब्रेकफास्ट दे दिया है, और आज ब्रेकफास्ट में रस खा रही है अनुषा दूध के साथ में। और इधर में मैं भी फ्रेंड्स चाय डाल लेती हूँ और मैं भी आराम से बैठ के अब चाय पी लूँगी फ्रेंड्स। पर कहाँ बच्चे आराम से चाय पीने देते हैं। आ गई अनुषा, बोली कि मम्मी मेरी चोटी बना दो, और क्योंकि फ्रेंड्स अभी स्कूल में बोलते हैं कि गूंद की चोटी बना के आओ, तो अनुषा से होती नहीं है, तो मैं इसकी गूंद की चोटी बनाऊंगी और फिर मैं चाय पीऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का बहुत सारा काम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बच्चों को रेडी करके फिर चाय पीती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स, और हम सब भी बढ़िया हैं। और इधर में बच्चे भी हो गए हैं रेडी, देखिए अनुषा रेडी हो गई है, इसकी चोटी वगैरह भी बना दी है मैंने। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 7:30 बज गए हैं, और मैं 6:30 बजे से ब्लॉग शूट किया था मैंने, 1 घंटे में इनका सारा काम फिनिश कर दिया है फ्रेंड्स। लंच भी बन गया है, लंच में पोहा बनाया है, अब मैं पी लेती हूँ फ्रेंड्स चाय, और इनका सारा काम फिनिश हो गया है तो मैं चाय पी लेती हूँ आराम से, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखें आ गई है बच्चों की वैन भी, और चले गए हैं बच्चे भी, बैठ चुके हैं वैन में, और अभी बाकी बच्चों का इंतज़ार हो रहा है। धीरे धीरे आते हैं फ्रेंड्स बच्चे, सभी लोग बैठ गए हैं सभी बच्चे, और चल दी बच्चों की वैन भी चली गई है। तो फ्रेंड्स चले गए हैं बच्चे, वैन चली गई है, और बंद कर देते हैं दरवाज़ा, बाहर में इतनी ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स,
दरवाजा खोले रखो ना तो बहुत ज्यादा ठंड आती है अंदर में। और सब लोग चले गए हैं फ्रेंड्स, बच्चे भी चले गए हैं, बच्चों के पापा भी चले गए हैं। और ये देखो बच्चे ऐसे तौलिया भी नहीं उठाते हैं फ्रेंड्स, जहां डालते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं इसको अभी डालूंगी बाहर में, क्योंकि फ्रेंड्स धूप तो आती नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। धूप आएगी तो फिर छत पे डाल के आऊंगी सारे कपड़े वगैरह। और टाइम हो गया है, 7:45 बज गए हैं, 7:45 बजे आई है इनकी वैन और चले गए हैं। और स्कूल वैसे 8 बजे का है इनका, है ना, तो सर्दी में बच्चे तैयार भी नहीं होते हैं ना, इसी वजह से सभी बच्चे धीरे 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 आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज बच्चों के लंच में बना था हमारे पोहा, और इस तरह से सारा किचन फैला हुआ है। चाय मेरी हो गई है फ्रेंड्स, अनुषा की चोटी बनाने के बाद में मैंने चाय भी पी ली थी। और अब कर लेती हूँ मैं घर की क्लीनिंग वगैरह। फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना भी हो गया है, और नहाते के साथ में मैंने खाना भी बना लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि नहाते के साथ में लग गई थी भूख, तो मैंने खाना भी बना लिया है और खा चुकी हूँ मैं खाना। और बच्चों के लिए मैंने आटा रख दिया है फ्रेंड्स, और मैं बनाऊंगी। और घर की क्लीनिंग के बाद में तुरंत मैं चली गई थी फ्रेंड्स नहाने के लिए, तो उसका मैंने कोई भी शूट नहीं किया था क्लीनिंग के बाद का। और मैं सीधी आकर नहा धो के खाना वाना बना के खा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पता नहीं है अभी तक, तो आएंगे तब उनको सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बनाते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए सूजी का केक, और बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं है फ्रेंड्स, तो आज उनके लिए सरप्राइज सूजी का केक बनने जा रहा है फ्रेंड्स। और बच्चे केक वगैरह देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स उनकी खुशी को डबल करते हैं और बनाते हैं फटाफट से सूजी का केक, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे और टाइम वैसे भी हो गया है फ्रेंड्स, 2:15 बज चुके हैं, और बनाते हैं। वैसे 2:45 बजे तक बच्चे घर आ जाएंगे, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डालेंगे मिक्सी के जार में चीनी डाल देंगे, और चीनी के बाद डालूंगी फ्रेंड्स मैं 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। तो मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है फ्रेंड्स, सरसों का तेल नहीं लेना है इसमें, रिफाइंड ऑयल ही डालना है बिना स्मेल वाला। तो मैंने डाल दिए 2-2.5 चम्मच, और ऑयल भी डाल दिया फ्रेंड्स। और डाल देंगे, 1 कटोरी मैंने ले ली है दही, तो ये भी डाल दूंगी, और इन सबको मिक्सी में पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा सरप्राइज तो धरा का धरा ही रह गया है, आ गई अनुषा और बच्चे आ गए स्कूल से, और अब इसको पहले मैं पीस लेती हूँ, और बिल्कुल यानी कि स्मूथ बैटर पीस के रेडी करेंगे हम इसको। और देखो वो देख रही है, देखो आ गई है और देखिए फ्रेंड्स इतना स्मूथ मिक्सचर हमारा फिस चुका है। और अब इसमें डाल देंगे हम सूजी, 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, तो ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको भी हम मिक्सी चला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन पेस्ट बनाना है इसका हमें। तो फ्रेंड्स देखिए पिस गया हमारा सूजी का बैटर भी, और अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, और हमारी सूजी भी फूल के रेडी हो जाएगी। फिर अब इसमें दूध डालेंगे, तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। तो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं हमारे केक के बैटर को भी रेस्ट करते हुए, और मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया है दूध, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया था हमारा ये बैटर। और अब इसमें डालूंगी फ्रेंड्स 1 पाउच में इनो, है ना, तो ये डाल देती हूँ। तो 1 पाउच हम इनो डालेंगे फ्रेंड्स, डाल दिया है, और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम दूध, देखिए फूल जाएगा इससे हमारा बैटर। और जब हम बनाए ना फ्रेंड्स तभी ही हमें इसको डालना है,
और हमारा बैटर अच्छे से रेडी है। और इधर में देखे मैंने बाटी बनाने का ओवन भी रख दिया है गैस पे हीट होने के लिए। और इधर में मैंने ये केक टिन भी तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, और इसमें ऑयल लगा के और मैंने इसके ऊपर में मैदा डाल दिया था, थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया था, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। और हमें अच्छे से मिला दिया है फ्रेंड्स मैंने इनो डाल के, और अब डालेंगे इसके अंदर केक टिन के अंदर। और फ्रेंड्स देखिए मैंने डाल दिया है इसके अंदर टिन में, केक टिन में, और इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे हम, है ना। और इधर में फ्रेंड्स मैंने काजू काट के लिए और बादाम, तो ये भी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर में डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे बादाम और काजू। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा काफी हीट हो गया है, देखिए गरम काफी हो गया है। और अब इसको रख देते हैं हम इसके अंदर, और 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच में, यानी कि इसको हम बेक होने देंगे। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद में। फ्रेंड्स हमारे केक को पकते हुए कम से कम भी 25-30 मिनट हो चुके हैं, और मैंने जब 15-20 मिनट हुए थे तो मैंने इसको चेक किया था, तो हमारा केक थोड़ा कच्चा था, तो मैंने वापस से इसको पकने के लिए छोड़ दिया था फ्रेंड्स। और अब पूरा आधा घंटे बाद में इसको निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा केक बन के रेडी हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक बन गया है, नीचे से देखिए ब्राउन ब्राउन हो गया है और कितना फूल के डबल हो गया है ना फ्रेंड्स। अब इसको चेक करते हैं चाकू से, और इसको चाकू अंदर डाल के देखते हैं, और हमारा चाकू देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है फ्रेंड्स, और हमारा केक बन के रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ओवन से बाहर निकाल लिया है हमने केक को, और इसको अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर निकालेंगे इसको प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा केक निकाल के मैंने प्लेट में रख लिया है, देखिए नीचे से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, और ऊपर से देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा हमारा केक बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। इसकी भी रेसिपी आप लोगों को जाननी है तो हमें कमेंट में बताइएगा, पूरी रेसिपी बताएंगे हम आपको। ओके फ्रेंड्स और काट के दिखाते हैं अब आपको। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो गया है, और बहुत ही सॉफ्ट है, गर्म है अभी, और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए हमारा केक भी बन के रेडी हो गया है, और स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, और अनुषा भी जगी हुई है, आयुष हमारा सोया हुआ है, तो आयुष को ये सरप्राइज मिलने वाला है। और इसकी अगर आपको इसकी भी रेसिपी जाननी है फ्रेंड्स तो कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए रेसिपी वीडियो भी बनाएंगे, पूरी फुल रेसिपी वीडियो बनाएंगे, और आज तो हमने ब्लॉग में ही आपको बताया है। चलिए फ्रेंड्स व्लॉग का एंड करने से पहले हम अनुषा से पूछते हैं कैसा बना है हमारा केक। केक अच्छा बना था, अच्छा इसलिए ये खा भी ली फ्रेंड्स, उसके ऊपर है ना चॉकलेट डाल के खा ली सिरप, है ना, चॉकलेट सिरप डाल के, और ये खा ली। बहुत टेस्ट करके खाती है हर चीज को, और आयुष अभी सोया हुआ है, वो उठने के बाद खाएगा, तो अब तो वो सो रहे हैं फ्रेंड्स। तो कर देते हैं हम व्लॉग का एंड। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।